24th chapter entitled The Dregs and Tumors of Virtue. He who stands on tiptoe does not stand firm. He who strains his strides does not walk well. He who reveals himself is not luminous. He who justifies himself is not far famed. He who boasts of himself is not given credit. He who prides himself is not chief among men. These in the eyes of Tao are called the dregs and tumors of virtue, which are things of disgust. Therefore, the man of Tao spurns them. 24वां अध्याय, शीर्षक सद्गुण के तलछट और फोड़े। जो अपने पंजों के बल खड़ा होता है, वह दृढ़ता से खड़ा नहीं होता। जो अपने कदमों को तानता है, वह ठीक से नहीं चलता। जो अपने को दिखाता फिरता है, वह वस्तुतः दीप्तिवान नहीं है। जो स्वयं अपना औचित्य बताता है, वह विख्यात नहीं है। जो अपनी डींग हांकता है, वह श्रेय से वंचित रह जाता है। जो घमंड करता है, वह लोगों का अग्रणी नहीं होता। ताओ की दृष्टि में उन्हें सद्गुणों के तलछट और फोड़े कहते हैं। वे जुगुप्सा पैदा करने वाली चीजें हैं, इसलिए ताओ का प्रेमी उनसे दूर ही रहता है। अमृत भी सदा अमृत नहीं होता। कुछ लोग उसे पीकर भी मर जाते। कुछ लोग अमृत का भी उपयोग जहर की भांति करते। जो समझदार हैं, वे जहर का उपयोग भी औषधि की तरह कर लेते हैं। न तो अमृत अपने में अमृत है और न जहर अपने में जहर। निर्भर है आदमी पर और उसके उपयोग पर। कुछ लोगों को धर्म भी बीमारी की तरह मिलता है। कुछ लोग धर्म को भी अपना कारागृह बना लेते हैं। कुछ लोग प्रकाश के साथ भी वैसा व्यवहार करते हैं जैसा अंधकार के साथ। जीवन सभी के लिए आनंद नहीं है। मृत्यु भी सभी के लिए दुख नहीं। कुछ लोग जीवन में सिवाय मरने के और कुछ भी नहीं करते और कुछ लोग मृत्यु में भी परम जीवन का अनुभव करते। वस्तुएं अपने में नहीं हैं, कुछ भी व्यक्ति पर निर्भर है। सभी कुछ व्यक्ति पर निर्भर है। ये सूत्र इस महत धारणा से संबंधित है। अल्लाह से कहता है, कुछ लोगों के लिए धर्म फोड़े की भांति है। दुखता है, उससे उन्हें आनंद नहीं मिलता। बीमारी की तरह उन्हें ग्रस लेता है, उससे वे खिलते नहीं और सिकुड़ जाते हैं। उससे उनकी कली फूल नहीं बनती।
और मुर्दा हो जाते। इस महत सूत्र की गहराई में उतरना जरूरी है और गहन है ये बात, क्योंकि हम सब ऐसा ही सोचते हैं कि वस्तुएं तय हैं, जहर जहर है, अमृत अमृत है, धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म है। हम सोचते हैं वस्तुएं तय हैं, वस्तुएं तय जरा भी नहीं है। व्यक्ति कैसा उपयोग करता है इससे सब कुछ तय होता है। धर्म को भी लोग फोड़ा कैसे बना लेते होंगे और धर्म भी जीवन को खिलाने की बजाय संकुचित करने का कारण कैसे बन जाता होगा, उसे समझना हो तो दूर जाने की जरूरत नहीं, धार्मिक आदमी को कहीं भी देखा जा सकता। इसलिए तो एक आश्चर्यजनक घटना पृथ्वी पर घटी है कि सभी लोग अपने को धार्मिक मानते हुए मालूम पड़ते हैं और जीवन में आनंद कहीं भी नहीं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई कुछ ना कुछ है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जुड़ा है। कहीं ना कहीं से सभी ने परमात्मा की तरफ अपनी आंखें उठाई हैं ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन जमीन बिल्कुल अधार्मिक है और आदमी की आत्मा एक फोड़े से ज्यादा नहीं जो सिर्फ दुखती है। ये कैसे संभव हुआ होगा? और ये हम सबके जीवन में रोज हो रहा है। जरूर कहीं कोई एक तरकीब है आदमी के हाथ में जिससे वो अमृत को जहर बना लेता है, कोई विधि है उसे मालूम जिससे जो भी सुखद हो सकता है दुखद हो जाता है और जिससे मुक्ति संभव है वही कारागृह बन जाता है। जिन पंखों से आकाश में उड़ा जा सकता है हम उन्हीं को जंजीरें बनाने में कुशल हैं। उस विधि का ही उल्लेख है इस सूत्र में। इस सूत्र को हम पढ़ें। जो अपने पंजों के बल खड़ा होता है वो दृढ़ता से खड़ा नहीं होता। जो अपने कदमों को तानता है, तनाव देता है, वो ठीक से नहीं चलता है। जहां भी जीवन में कुछ करने में हमने तनाव लाया वहीं सब विकृत हो जाता है। अगर हम प्रेम करने में भी तनाव ले आए तो प्रेम दुख का जन्मदाता है, उससे बड़ा फिर दुख का जन्मदाता पाना खोजना मुश्किल है। अगर प्रार्थना भी हमारी तनाव बन जाए तो वो भी एक बोझ पत्थर की तरह छाती पर रखा हुआ है, उससे हम और डूबेंगे अंधकार में, प्रकाश की तरफ उड़ेंगे नहीं। लेकिन हम हर चीज को तनाव बना लेने में कुशल हैं, हम किसी चीज को बिना तनाव के करना ही भूल गए। निसर्ग तनाव रहित है। जब एक कली फूल बनती है तो कोई भी प्रयास नहीं होता, बस कली फूल बन जाती है। ये कली का स्वभाव है फूल बन जाना, इसके लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। और नदी जब सागर की तरफ बहती है तो हमें लगती है कि बह रही है, नदी का होना ही उसका बहना। बहने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होता, इसलिए नदी कहीं भी थकी हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। कली खिलने में थकेगी नहीं। अगर कली खिलने में थक जाए तो फूल नहीं बन पाएगा फिर, क्योंकि थकान से कहीं फूल का कोई जन्म है। कली तो जब खिलती है तो थकती नहीं,
खिलती है और ताजी होती है और नई हो जाती है। और नदी जब सागर में गिरती है तो थकी हुई नहीं होती इतनी लंबी यात्रा के बाद। पूर्ण प्रफुल्लित होती है। आदमी थकता है हर चीज में, वो जो भी करता है उसमें ही थक जाता है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया इस थकान के सूत्र को? आप थके हुए मालूम होते हैं कोई भी काम करते क्षण में, लेकिन अचानक कभी ऐसी घटना घटती है कि सब थकान तिरोहित हो जाती है। विंसेंट वैन गॉग एक डच पेंटर हुआ और इस पिछले 150 वर्षों में कुछ थोड़े से कीमती आदमियों में से एक। कुरूप था इसलिए कोई स्त्री कभी उसके प्रेम में नहीं गिरी। उसकी जिंदगी एक थकान थी, एक लंबी ऊब। वैन गॉग ने लिखा है कि सुबह उठने का मुझे कोई कारण नहीं मालूम पड़ता, क्यों उठूं? उठना पड़ता है, मजबूरी है, उठाता हूं। सांझ सोने का कोई कारण नहीं मालूम पड़ता, आंख भी खोलूं इसकी कोई वजह नहीं है क्योंकि कोई भविष्य नहीं है। वनगा चलेगा भी तो उसके पैर लड़खड़ाते हुए होंगे, वो काम भी करेगा तो उसकी काम में एक उदासी छाई होगी। वो जिस दुकान पे काम करता है, एक चित्र बेचने वाली, पेंटिंग्स बेचने वाली दुकान पे काम करता है, उसके मालिक ने कभी नहीं देखा कि उसने कभी किसी ग्राहक में कोई रस लिया हो। ग्राहक को आता देखकर उसे लगता है कि एक मुसीबत आ रही, उठाता है, चित्र दिखा भी देता है, लेकिन जैसे कोई ऑटोमेटा, कोई यंत्र सब कर रहा हो। लेकिन अचानक एक दिन देखा उसके मालिक ने कि वैन गॉग गीत गुनगुनाता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा है। यह पहला मौका था कि उसे किसी ने गीत गुनगुनाते देखा। जब वो पास आया तो उसके मालिक ने देखा कि न केवल वो गीत गुनगुना रहा है, आज मालूम पड़ता है उसने स्नान भी किया। स्नान वो रोज भी करता था लेकिन वो सिर्फ पानी ढाल लेना था। पानी ढाल लेने में और स्नान करने में बड़ा फर्क है। जब कोई अपने लिए ही ढाल लेता है तो पानी ढालना होता है, और जब किसी और के लिए ढालता है तब स्नान हो जाता है। और दोनों में बुनियादी फर्क है। कपड़े उसके वही थे लेकिन आज उनकी तर्ज बदल गई। आदमी वही था लेकिन चाल बदल गई। उसके मालिक ने पूछा, वैन गॉग क्या हुआ? वैन गॉग ने कहा कि आज मेरी जिंदगी में एक स्त्री आ गई, प्रेम की एक घटना। उस दिन ग्राहकों में उसका रस और है। उस दिन ग्राहक को आता देख के वो आनंदित है। उस दिन उसके काम में अंतर पड़ गया, जिंदगी में कोई अर्थ आ गया। वैन गॉग ने उस दिन रात अपनी डायरी में लिखा है कि पहली दफा एक ऐसा दिन बीता जिससे मैं थका नहीं, नहीं तो मैं सुबह थका हुआ ही उठता हूं। सांझ थका हुआ तो सोता ही हूं, सुबह थका हुआ ही उठता हूं। उस दिन मैं सांझ भी ताजा था, थका हुआ नहीं था, और काम मैंने हर दिन से ज्यादा किया था। क्या फर्क पड़ गया? जो कल तक तनाव था आज वो तनाव नहीं रहा। जिस काम को करने में तनाव है वो आपको थका जाएगा, और जिस काम को करने में तनाव नहीं है, सहजता है, वो आपको और भी ताजा कर जाएगा। न तो काम थकाता है न ताजा करता है, आदमी पर निर्भर है।
हम पूरे जीवन को काम बना लेते हैं, तनाव बना लेते हैं। मैं सुनता हूं लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि पिता बीमार है, उनकी सेवा कर रहे हैं, कर्तव्य है, ड्यूटी है। ड्यूटी होती है पुलिसमैन की, कर्तव्य होता है एक नौकर का, बेटे का कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य का मतलब है करना चाहिए इसलिए कर रहे। लेकिन अगर पिता की सेवा करना कर्तव्य है तो फिर सेवा एक पत्थर की तरह छाती पर पड़ जाएगी, और भीतर मन के किसी कोने में यह भाव अगर आना शुरू हो जाए तो यह मत समझना कि यह भाव कहां से आ रहा है, कि यह पिता समाप्त हो जाए तो अच्छा। हालांकि आप कहेंगे कि यह बुरा विचार कहां से आ रहा है, यह नहीं आना चाहिए, आप इसको प्रकट भी ना करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने सेवा को कर्तव्य माना उसी दिन इस विचार का बीज भी आपने बो लिया अपने भीतर। ये कोई और नहीं ला रहा है, क्योंकि जहां कर्तव्य है वहां से छुटकारे का मन होगा। लेकिन पिता की सेवा अगर कर्तव्य ना हो तो बोझ नहीं होगी, और तब सच तो यह है कि पिता की सेवा करते वक्त पहली दफा आपके जीवन में वो फूल खिलेगा जिसका अर्थ पुत्र होना होता है, नहीं तो वो फूल कभी नहीं खिलेगा। पिता आपको जन्म देके पिता नहीं हो जाता, और आप किसी से जन्म पाके पुत्र नहीं हो जाते। पुत्र आप उस दिन होते हैं जिस दिन पिता की सेवा आनंद होती है, और पिता भी आप उस दिन होते हैं जिस दिन बेटे के प्रति जो प्रेम है वो आनंद होता है, काम और कर्तव्य नहीं। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो निसर्ग से खिलता है, और जीवन में जो भी कचरा, जिसको लाओस से कह रहा है तलछट कचरा, फोड़े की भांति घाव जो बन जाता है, वो सब तनाव से पैदा होता है। और हम जो भी करते हैं वो सब तनाव है। हमारा पूरा जीवन एक लंबी यात्रा है, एक तनाव से दूसरे तनाव पर। इसलिए मौत हमारे जीवन की पूर्णता नहीं है, केवल समाप्ति है। अन्यथा अगर एक आदमी का जीवन विकसित हुआ हो तो सांझ जब सूर्य डूबता है तो सुबह के सूर्य से कम सुंदर नहीं होता। सांझ के डूबते हुए सूर्य का सौंदर्य भी वैसा ही अनूठा होता है जैसे उगते सूर्य का। लेकिन आदमी का उगता हुआ सौंदर्य अलग होता है, डूबता हुआ सब कुरूप हो जाता है। आदमी के जीवन का सूर्यास्त क्यों सुंदर नहीं है? जिंदगी एक तनाव की यात्रा है, तो हम समाप्त होते हैं मृत्यु में, पूर्ण नहीं होते। धार्मिक व्यक्ति के लिए मृत्यु पूर्णता है, अधार्मिक व्यक्ति के लिए सिर्फ अंत, सिर्फ समाप्ति। ये जो घटना घटती है, ये घटना प्रत्येक काम को तनाव बनाने से घटती है। लाओस से कहता है जो अपने पंजों के बल खड़ा होता है वो दृढ़ता से खड़ा नहीं होता। आप कभी अपने पंजों के बल खड़े होकर देखे? वैसे तो सभी लोग पंजों के बल जीवन में खड़े हैं, लेकिन ऐसे कभी पंजों के बल खड़े होकर देखें, जल्दी ही थक जाएंगे। और पंजों के बल आप कितने ही सद के खड़े रहें, आप कंपित होते रहेंगे भीतर। और खड़ा होना प्रतिपल एक श्रम होगा, लेकिन हम सब पंजों के बल खड़े हैं। हमारा खड़ा होना सहज खड़ा होना नहीं। कोई आदमी पंजों के बल क्यों खड़ा होता है? ऊंचा दिखना चाहता है,
बड़ा दिखना चाहता है, दूसरों की आंखों में कुछ दिखना चाहता है। दूसरों की आंखें बहुत मूल्यवान हैं, अपनी सहजता स्वीकार नहीं है, वो लंबा होना चाहता। पश्चिम में स्त्रियों ने बड़ी एड़ी के जूते ईजाद किए हैं, वो सिर्फ पुरुष के साथ प्रतिस्पर्धा में है। पुरुष थोड़ा लंबा है, उन लंबी एड़ी के जूतों पर चलना सुखद नहीं है क्योंकि प्रकृति के बिल्कुल प्रतिकूल है। असल में लंबी एड़ी के जूते पहनने का मतलब है कि पंजे के बल आप खड़े होना चाह रहे हैं, सहारा चाहिए तो लंबी एड़ी का सहारा मिल जाता है। स्त्री को भी पुरुष जैसा लंबा होने की तृष्णा है, स्वीकृति नहीं है, दूसरे से कुछ तुलना है और दूसरे के मुकाबले होने का कोई भाव है। फिर ये एड़ी की ऊंचाई तक ही बात नहीं टिकेगी, ये तो फिर पूरे जीवन में फैल जाएगी, ये तो दृष्टि और आधार हुआ। जिस दिन पश्चिम में आज से कोई 300 साल पहले स्त्रियों ने लंबी एड़ी के जूते खोजे, उसी दिन कहा जा सकता था कि आज नहीं कल जो भी स्त्री आज पश्चिम में करी हैं वो करेंगी, जो भी आज कर रही हैं वो उस एड़ी के जूते से तय हो गया। एक भाव है भीतर, लेकिन लंबी एड़ी के जूते पर खड़े होने में सुखद नहीं हो सकता, खड़ा होना भी एक दुख हो जाएगा, चलना एक कष्ट हो जाएगा, चलना एक आनंद हो सकता है। चलना आनंदपूर्ण है, लेकिन जिनकी भी आदत पंजों पर खड़े होने की पड़ गई वो फिर चल नहीं सकते, सारे शरीर को घसीटना पड़ेगा। और ये जो लाओस से कहता है कि पंजों के बल जो खड़ा है वो दृढ़ता से खड़ा नहीं हो सकता, वो कंपित भी रहेगा क्योंकि जो भी सहारे उसने लिए हैं सब झूठे हैं और कृत्रिम हैं। वो अपना पैर नहीं है लंबा, वो जूते की एड़ी है। वो जिन सहारों पे भी लंबा हो गया है वो सब झूठे हैं। एक राजनीतिक अपनी कुर्सी पर बड़ा हो गया है, वो कुर्सी उतनी ही झूठी है। इसलिए राजनीतिक अपनी कुर्सी पर बैठ के कभी शांति से बैठ नहीं सकता। कुर्सी पर होना और शांति से होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो कुर्सी जिस चीज के लिए काम में लाई जा रही दूसरों से ऊपर दिखाई पड़ने के, ये जो चेष्टा है ये चेष्टा ही कुर्सी पर शांति से नहीं बैठने दे सकती। इसलिए सम्राटों की रातें अगर कष्टपूर्ण हैं और अगर सम्राटों ने कभी कभी भिखारियों से भी ईर्ष्या की है अपने मन में तो उसका कारण है। अगर एक व्यक्ति ने धन का ढेर लगा लिया है और उस पर ऊपर होने की कोशिश में लगा है तो ये ढेर वो कितना ही सोचता हो कि वो ढेर के ऊपर खड़ा है, वो समझे या ना समझे उसे पता नहीं, असलियत में ये ढेर उसके सिर पर बैठ जाएगा, वो दब जाएगा, इस ढेर से ऊपर नहीं उठने वाला है। लाओस से कहता है अगर दृढ़ता से खड़ा होना हो तो ऐसे खड़ा होना चाहिए कि खड़े होने में कोई तनाव ना हो। पंजों के बल खड़ा नहीं हुआ जा सकता, और जब आप पंजों के बल खड़े होते हैं तभी पता चलता है कि आप खड़े हैं। जब आप पूरे पैर के बल खड़े होते हैं तब आपको पता भी नहीं चलता कि आप खड़े हैं। लेकिन हमारी आदत संतुलन की नहीं है, इसलिए लाओस्से की परंपरा में एक प्रक्रिया है। लाओस्से अपने शिष्यों को कहता था कि खड़े हो जाओ, फिर आंख बंद कर लो,
फिर ध्यान करो कि तुम पैर के किसी हिस्से पर जोर तो नहीं दे रहे हो, पूरे दोनों पैरों पर संतुलन बराबर बांट दो। पर हमें तो पता ही नहीं चलेगा, तो पता चलने के लिए लाओसे कहता था कि खड़े हो जाओ, फिर एक पैर पर जोर दो, बाएं पैर पर पूरा जोर दे दो, बाएं पर ही खड़े हो, भीतर शिफ्ट कर दो, भीतर पूरा बल बाएं पर शिफ्ट कर दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दायां नपुंसक हो गया पैर, उसमें प्राण ना रहे। फिर दाएं पर पूरा का पूरा जोर हटा दो, तब तुम पाओगे कि बायां रिक्त और खाली हो गया। तब दोनों पर बराबर जोर बांटो। और लाओसे कहता था जिस दिन तुम्हारा संतुलन बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तुम्हें बाएं और दाएं पैर का पता नहीं चलेगा, कौन सा पैर बायां कौन सा पैर दाएं। और जिस दिन संतुलन बराबर हो जाएगा, उस दिन तुम कितनी ही देर खड़े रहो, तुम थकोगे नहीं। ये पैर के बाबत ही सही नहीं है, पूरे शरीर के बाबत सही है। अगर हमारा प्राण पूरे शरीर पर समान रूप से वितरित हो, तो जिस भांति हम थकते और परेशान होते हैं, वैसे थकने और परेशान होने का कोई कारण न रह जाए। कभी लोगों को देखें, खुद को देखना तो मुश्किल होता है, दूसरों को देखें तो आसानी होगी। किसी परीक्षा भवन में चले जाएं और विद्यार्थियों को लिखते देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। लिखा तो जाता है हाथ से, लेकिन उनके पैर तक तने हुए। पैरों से लिखने का कोई भी संबंध नहीं है। अगर कुशल लेखक हो तो कलम उंगलियां जितनी पकड़ती हैं उतना ही बल हाथ पर देने की जरूरत है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन सारा शरीर तन जाता है, सिर से लेकर पैर तक एक एक नस खिंच जाती है। एक आदमी को साइकिल चलाते देखें तो सिर्फ पैर के पंजे काफी हैं साइकिल को चलाने के लिए, लेकिन उसका पूरा शरीर संलग्न है। ये जो पूरे शरीर की संलग्नता है, ये अकारण थकावट है। और ये अगर आदत बन गई हो तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ के तनाव में टूटता है। इंग्लैंड में मैथ्यू अलेक्जेंडर करके एक बहुत बड़ा शिक्षक था। वो शिक्षक ही इस बात का था कि लोगों को सिखाए कि कैसे खड़े हों, कैसे बैठें, कैसे लेटें, कैसे चलें। और आप हैरान होंगे ये जान के कि अलेक्जेंडर ने हजारों लोगों की हजारों बीमारियां सिर्फ उनको ठीक खड़ा होना, ठीक लेट जाना, ठीक बैठ जाना सिखा के दूर की। वो शिक्षक था केवल मनुष्य की गतिविधियों का, लेकिन वो चिकित्सक सिद्ध हुआ। और अलेक्जेंडर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैंने अब तक ऐसा एक आदमी नहीं पाया जो शरीर के साथ सदव्यवहार कर रहा हो। लेकिन उसका उसे कोई पता ही नहीं। अलेक्जेंडर ने लाओसे का स्मरण किया है और उसने कहा कि इस आदमी को राज पता था। ये कहता है कि अगर अपने पंजों के बल कोई खड़ा होगा तो दृढ़ता से खड़ा नहीं हो सकेगा, उसकी पूरी जिंदगी एक कमजोरी बन जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी में एक भय का कंपन भीतर प्रवेश कर जाएगा। वो जो भी करेगा कंपित रहेगा, डरा हुआ रहेगा, घबराया हुआ रहेगा। और इसका कारण नहीं ये कि वो कमजोर है, इसका कारण सिर्फ यह है कि दूसरों के सामने वो शक्तिशाली दिखाई पड़ने की कोशिश कर रहा है। जब भी आपको लगे कि भीतर कमजोरी पकड़ रही है, समझ लेना कि आप दूसरों के सामने शक्तिशाली दिखाई पड़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे। जब आपको लगे कि आपके भीतर डर पैदा हो रहा है कि कहीं मैं बुद्धिहीन तो नहीं हूं, तब आप समझ लेना कि आप
पंजों के बल खड़े होकर लोगों को दिखला रहे हैं कि मैं बुद्धिमान हूं। जीवन बड़ा विपरीत है। अमेरिका में एक मनोविद है अब्राहम मैस्लो, एक मरीज उसके पास आया है। वो एक बहुत बड़ी बैंक का डायरेक्टर है और उसका सारा काम उसके लिखने पर निर्भर है और आज तक उसकी प्रतिष्ठा और प्रशंसा उसकी बहुत ही सुदृढ़ और सुडौल लिखावट की रही है। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसका हाथ कपने लगा है और उसकी लिखावट खराब होने लगी। वो जितनी कोशिश करता है अपनी लिखावट को बचाने की उतनी लिखावट और खराब होती चली जाती और अब उसे डर पैदा हो रहा है कि या तो वो ये काम छोड़ दे क्योंकि उसकी जीवन भर की प्रतिष्ठा नष्ट हुई जा रही है। उसने न मालूम कितने लोगों से सलाह ली है लेकिन सब सलाहें खतरनाक साबित हुई और सब सलाहों का परिणाम यह हुआ कि उसका हाथ और खराब हो गया है। वो मैस्लो से पूछता है तो मैस्लो उससे कहता है तुम एक काम करो, जब तुम्हारी लिखावट अच्छी थी तब तुम्हें ख्याल है कि तुमने लिखावट को अच्छा रखने का कोई प्रयास किया हो? उसने कहा मुझे कोई ख्याल नहीं। तो मैस्लो ने कहा तुम एक काम करो, जान के जितना खराब लिख सकते हो लिखो, चेष्टा से जितना बिगाड़ सको अपनी लिखावट को बिगाड़ो, और जो वर्ष से उसकी चिंता थी वो विदा हो गई क्योंकि जितनी उसने चेष्टा की बिगाड़ने की उसने पाया कि वो बिगड़ती नहीं, सुडौल हो गई। चेष्टा से हम जो भी करते हैं वो बिगड़ जाता है। चेष्टा से अगर बिगाड़ना चाहें लिखावट को तो ये श्रम भी व्यर्थ हो जाएगा, सुधर जाएगी लिखावट। अगर चेष्टा से सुधारना चाहें यह श्रम भी व्यर्थ हो जाएगा, लिखावट बिगड़ जाएगी। इसको जर्मन मनोवैज्ञानिक फ्रेंकल ने लाफ रिवर्स इफेक्ट कहा है, विपरीत का नियम। जो भी हम करते हैं चेष्टा से उससे विपरीत परिणाम आता है। एक आदमी सबके साथ भला होने की कोशिश करता है और फिर एक दिन छाती पीट के कहता है कि मैं सबके साथ भला होने की कोशिश कर रहा हूं और सारे लोग मेरे प्रति बुरे हो गए। लोग निरंतर कहते सुने जाते हैं कि हम नेकी करते हैं और लोग हमारे साथ बदी करते हैं। मैंने उस व्यक्ति की इतनी सहायता की और वक्त पर उस व्यक्ति ने बिल्कुल मेरी तरफ पीठ कर ली। ये आपकी चेष्टा का परिणाम है, नियमानुसार हो रहा है। कोई आदमी बुरा नहीं कर रहा है आपके साथ, जब भी कोई भला करने की कोशिश करता है किसी के साथ तो बुरा हो जाता है। कोशिश में ही बुराई आ जाती है। किसी पर दया करने की कोशिश करें और वो आदमी आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा, वो आपसे कभी ना कभी बदला लेगा आपकी दया का, क्योंकि दया करने की जो कोशिश उसमें दया क्रूरता हो गई, उसमें दया हिंसा हो गई। जब किसी के साथ अच्छा करने की आप कोशिश करते हैं तो आप ये दिखा रहे हैं कि आप अच्छे हैं, वो दिखाना ही बीज हो गया जहर का। इसलिए तथाकथित अच्छे लोगों को कोई कभी माफ नहीं कर पाता। खुद के मां बाप तक को माफ करना मुश्किल होता है क्योंकि मां बाप इतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि दुश्मन मालूम पड़ने लगते हैं। ये इस सीमा तक पहुंच सकती है बात कि इंग्लैंड के एक विचारक आर डी लेंग ने अपनी एक किताब इस वाक्य से शुरू की है कि मां का बच्चे के प्रति पहला चुंबन ही इस जगत में उपद्रव की शुरुआत है। चुंबन, मां का पहला चुंबन,
इस जगत में उपद्रव की शुरुआत, बच्चे के साथ हिंसा शुरू हो गई। लिंग ने लिखा है कि बच्चे के साथ हिंसा शुरू हो गई। ये कुछ दूर तक सच है, लेकिन उतने ही दूर तक जहां तक ये चुंबन चेष्टा से निकला हो। अगर चेष्टा से ना निकला हो तो चुंबन की याद भी नहीं रह जाती, लेकिन माताएं बाद में बड़ा याद करती हैं, इसलिए लगता है कि चेष्टा से निकली हुई चीजें। माताएं बाद में कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, रात रात भर तुम्हारी बीमारी में जागी हूं, कैसे कैसे कष्ट उठाए। माताएं पूरा हिसाब रखती। ये हिसाब रखना माताओं जैसा है ही नहीं, ये किसी संस्था के सेक्रेटरी को शोभा देता है। अगर ये चेष्टा से निकला हो तो इसकी स्मृति बनती है, अगर ये सहज निकला हो तो इसकी कोई स्मृति नहीं बनती। अगर ये सहज निकला हो तो इसका फल उसी समय मिल गया, इसके किसी और फल की आशा नहीं बंधती। अगर ये चेष्टा से निकला हो तो ये इन्वेस्टमेंट है, भविष्य में इसके फल लेने की आकांक्षा होगी। फिर बूढ़ी मां अपने बेटे से कहेगी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया और तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि मां ने जो किया था उसका आनंद करने में नहीं मिल पाया, आनंद बच गया है, काम हो गया है, फल शेष रह गया है। लेकिन अगर मां का चुंबन आनंद था तो उसे आनंद मिल गया है, अब उसके बदले में कुछ और पाने का सवाल कहां है। और अगर याद है तो वो बताती है याद कि वो पूंजी लगाई थी भविष्य के लिए लाभ की आशा से, लाभ तत्क्षण नहीं मिला है, आगे मिलेगा, उसका हिसाब रखना पड़ेगा, उसकी स्मृति बनी रहती है। लाओस से कहता है कि जो भी हम तनाव से करेंगे वह हमारे जीवन को भीतर से कुरूप कर जाता और क्रिपल्ड कर जाता है, जकड़ जाता है, पंगु कर जाता है। खड़े होकर देखें और खड़ा होना कष्ट हो जाएगा। जो अपने कदमों को तानता है वो ठीक से नहीं चलता है। जीवन में हमें चारों तरफ ऐसी घटनाएं रोज अनुभव में आती हैं, हम ख्याल में लें ना लें। हम सभी बोलते हैं, 100 में 99 लोग अच्छी तरह बोलते हैं, बातचीत में कुशल होते हैं, उन्हें यहां मंच पर लाके खड़ा कर दिया जाए और बोलना मुश्किल हो जाता है। क्या हो गया, उनकी जबान में कोई खराबी नहीं, उनका कंठ ठीक है, सब ठीक है, रोज बात करते हैं, बात ही करते हैं दिन भर, और क्या करते हैं। अचानक इस माइक के सामने खड़ा करके उनका कंठ अवरुद्ध क्यों हो जाता, हाथ पैर कपने क्यों लगते। ये बोलने में इतने कुशल, इन्हें चुप होना मुश्किल होता है, मौन कठिन मालूम पड़ता है, अचानक इनका मौन क्यों सध जाता है, मंच पर खड़े होकर इनसे बोला क्यों नहीं जाता। बोलना प्रयास है, अब पैर पंजे के बल खड़ा होना हो गया, अब प्रयास है बोलना। जो रोज दिन भर बोलते थे वो अप्रयास था, उसमें कोई चेष्टा न थी, उसमें ख्याल ही नहीं था कि हम बोल रहे हैं, बोलना हो रहा था, अब ख्याल है कि हम बोल रहे हैं। और ख्याल क्यों है, ख्याल इसलिए है कि कहीं कुछ ऐसा न बोल जाएं कि लोगों के सामने प्रतिष्ठा गिर जाए, कुछ ऐसा बोलें कि प्रतिष्ठा बढ़ जाए, लोगों पर दृष्टि है, ऐसा समझें कि सब लोग कोई भी नहीं है, माइक पे आप अकेले खड़े, फिर आप मजे से बोल सकते, बड़े आनंद से बोल सकते। अपनी ही आवाज सुनना बहुत आनंदपूर्ण होता है, लेकिन लोग बैठे तब अड़चन होती है, आप तनाव से भर गए। मनस्विद कहते हैं, आपको अनुभव हुआ होगा, गोली गटकनी मुश्किल होती है दवा की, खाना आप रोज गटक जाते हैं।
कभी ख्याल भी नहीं आता कि खाने का कोई कौर अटक गया हो और आपको चेष्टा करके लीलना पड़ा हो, लेकिन दवा की गोली जीभ पे रखें, पानी अंदर चला जाता है, गोली जीभ पे रह जाती। इस गोली में क्या खूबी है? जब आप खाना ले जा रहे हैं तब कोई चेष्टा नहीं है, गोली को घटकना है, ये प्रयास है, वो प्रयास ही अटकाव बन जाता है। जीवन के सब तलों पर विपरीत नियम, विपरीत का नियम काम करता रहता है। जितनी आप चेष्टा करेंगे उतने ही आप विफल हो जाएंगे। सफलता का एक ही सूत्र है, चेष्टा ही ना करें। इसका यह मतलब है कि कुछ करें ही नहीं, यह मतलब नहीं है। इसका मतलब है ऐसे करें जैसे करना आपसे निकलता हो, उस पर कोई बोझ ना हो, उस पर कोई भार ना हो, उस पर कोई जबरदस्ती ना हो, अपने को खींचना ना पड़ता हो, नदी की तरह बहना होता हो, कली की तरह खिलना होता हो, पक्षी की तरह गीत होता हो। जो अपने कदमों को तानता है वो ठीक से नहीं चलता है, जो अपने को दिखाता फिरता है वो वस्तुतः दीप्तवान नहीं है। दूसरे मुझे देखें, दूसरे मुझे जाने, दूसरे मुझे पहचाने, आखिर दूसरों के मन में मेरी अच्छी धारणा बने, इसकी इतनी कामना क्यों होती है? इसका इतना मन में रस क्यों होता है? अपने पर कोई भरोसा मुझे नहीं है इसलिए, अपनी कोई प्रतिमा भी मेरे पास नहीं है इसलिए, अपना कोई तादात्म्य भी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं कौन हूं इसका मुझे कुछ पता नहीं। दूसरे मुझे क्या मानते हैं वही मुझे पता है, उसका ही जोड़ मेरी आत्मा है। आ कुछ कहता है, बा कुछ कहता है, सा कुछ कहता है, मेरे बाबत लोग जो कहते हैं उनको ही जोड़ के मैं अपनी आत्मा बना लेता हूं। लोग कहते हैं मैं अच्छा हूं तो मुझे लगता है मैं अच्छा हूं, और लोग कहने लगे मैं बुरा हूं तो मेरे भवन की आधारशिलाएं डगमगा जाती। इसलिए जब कोई आदमी आपको बुरा कहता है तो आपको जो क्रोध आता है वो इसलिए नहीं आता कि उसने गलत कहा। अगर गलत कहा है तब तो क्रोध आने की कोई जरूरत ही नहीं है, गलती उसकी है, आप क्यों परेशान होते हैं? डर यह है कि कहीं उसने सही ही ना कहा हो, उससे क्रोध आता है। और अगर उसने सही कहा है तो हमने जो अपनी प्रतिमा बना रखी है वो मोम की तरह पिघलने लगेगी। एक आदमी मेरे प्राण खींच ले सकता है, एक आदमी कह दे कि बुरे हो तो सारा अस्तित्व डगमगा जाता है। मैंने अस्तित्व बनाया ही दूसरों के विचारों से, उनके ओपिनियन इकट्ठे कर लिए, उनकी फाइल बना ली, वही मेरी आत्मा है। उसमें एक पन्ना उड़ता है तो मेरे प्राण उड़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि लोग आपके बाबत क्या कहते हैं? अगर वो सब आप हटा दें तो आपके पास सिफर, शून्य के सिवा क्या बच रहेगा? तब आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, सुंदर हैं कि कुरूप हैं, बुद्धिमान हैं कि बुद्धिहीन हैं? कैसे पता चलेगा? दूसरे क्या कहते हैं वही हमारा आत्मज्ञान है। इसलिए हम दिखाते फिरते हैं, इसलिए बड़ी झंझटें खड़ी होती हैं और जीवन बड़े उलझन में पड़ जाता है। एक व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ जाता है, दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं। प्रेमी ऐसा दिखाई पड़ता है कि ऐसा प्रेमी जगत में कभी हुआ ही नहीं होगा। प्रेसी ऐसी मालूम पड़ती अभी सद्ध, अभी अभी स्वर्ग से उतरी।
दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं, लेकिन ये पंजों के बल खड़ा होना है, ज्यादा देर नहीं रहा जा सकता इसके बल खड़ा। जब बीच पर मिले घड़ी भर को तो पंजों के बल खड़े रह सकते हैं, पूर्णिमा के चांद में चोरी छिपे मिले तो पंजों के बल खड़े रह सकते हैं, फिर ये भूल से विवाह कर लें तो पंजों के बल कितनी देर खड़े रहेंगे, फिर जमीन पर उतरना पड़ेगा, फिर वो जो दिखाने की चेष्टा थी वो समाप्त हो जाएगी। तब अचानक लगता है कि एक साधारण सी स्त्री जिसको मैं अप्सरा समझा था, एक साधारण सा पुरुष जिसको समझा था देवता उतर आया है, धोखा हो गया। तब भी हम यही सोचते हैं कि दूसरे ने धोखा दे दिया, दोनों ही यही सोचते हैं, कोई भी ये नहीं सोचता कि हम दोनों पंजों के बल खड़े होकर एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो कोशिश ज्यादा देर नहीं चल सकती, वो स्थायी नहीं हो सकती, 3 दिन काफी है, सब प्रेम उखड़ जाता है। अगर पुराने दिनों में नहीं उखड़ता था तो उसका कारण था कि 3 दिन भी इकट्ठे साथ नहीं मिलते थे, बहुत कठिन मामला था। पुराने लोग जरूर होशियार थे, बुद्धिमान थे, अपनी पत्नी को भी देखना एक चोरी का काम था। अपनी पत्नी से मिलना भी एक बड़े संयुक्त परिवार में बड़ी मुश्किल बात थी, लंबा चल पाता था धोखा। अब हमने पति पत्नियों को आमने सामने बिठा दिया है, उनकी हालत वैसी हो गई जैसा सात्र ने अपने एक उपन्यास में कल्पना किए कि एक आदमी मरता है, वो सदा से डरा हुआ है, उसको पाप अपराध का डर है और उसको डर है कि वो नरक जाएगा, लेकिन जब मर के उसकी आंख खुलती तो वो पाता है एक अच्छे कमरे में बैठा हुआ है, सब साथ सामान लगा हुआ है, बड़ा हैरान होता है कि क्या मैं स्वर्ग में आ गया, सब सुंदर है, सब व्यवस्थित है। जो व्यक्ति उसे उस कमरे में ले आया है वो उससे पूछता है क्या ये स्वर्ग है, वो उस व्यक्ति कहता है कि क्षमा करें आप नरक में आ गए। और तब 2 व्यक्ति और कमरे में लाए जाते हैं, एक महिला है बूढ़ी, एक जवान लड़की है। वो पूछता है लेकिन ये नरक कैसा, यहां सब सुविधा है? वो आदमी कहता है सभी को ऐसी तकलीफ होती है, थोड़ी देर में आपकी समझ में आ जाएगा। और थोड़ी देर में समझ में आना शुरू हो जाता है, उस कमरे के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं, उसमें दरवाजा भीतर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ खुलता ही नहीं, उसमें कोई बाहर से भीतर आ सकता है, भीतर से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन उस आदमी को अच्छा लगता है, जवान है लड़की, सुंदर है, एक संगी साथी है इस कमरे में, कोई डर नहीं, लेकिन 24 घंटे वे अपनी अपनी कुर्सियों पर वहां बैठे हैं उस कमरे के भीतर, 1 घंटा 2 घंटा रात दिन 24 घंटे वहां से बाहर जाने का कोई उपाय नहीं। अगर आंख बंद करके सो भी तो पता है कि 2 लोग वहां मौजूद हैं, वो देख रहे होंगे। नरक में और कोई तकलीफ नहीं, उन 3 को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। और 3 दिन के भीतर उसको लगता है कि इससे वो जो पुराना नरक था आग में जलाया जाने वाला, वही ज्यादा बेहतर था। ये नया इन्वेंशन तो खतरनाक मालूम होता है, कम से कम थोड़ा एक्साइटमेंट तो होता, आग में जलाए जाते फेंके जाते कुछ होता, यहां कुछ होता ही नहीं, बस ये 3 बैठे हुए हैं एक कमरे में। पूछताछ भी समाप्त हो गई, जैसे कि ट्रेन में मिलते हैं लोग समाप्त हो जाती है, वेटिंग रूम में मिलते हैं कहां जा रहे हैं क्या है, बात खत्म हो जाती, फिर लोग अपने टाइम टेबल को दोबारा पढ़ने लगते हैं,
सब खत्म हो गई, बातचीत हो गई, जानकारी पहचान हो गई, अब कोई उपाय नहीं रहा। 3 दिन में उसे पता चलता है कि तो महानरक है और किसी बहुत ही शैतान की इजाद है। पुराना शैतान इतना अविष्कारक नहीं था। वो 2 प्रेमी जब एक ही कमरे में बंद कर दिए जाते हैं, 3 दिन में प्रेम नरक हो जाता है, हो जाने वाला है। उसका कारण प्रेम का कोई कसूर नहीं, उसका कारण पंजों के बल खड़े होने की चेष्टा है। इस जगत में तब तक विवाह सफल नहीं हो सकता जब तक लोग दिखाने की कोशिश नहीं छोड़ते, तब तक विवाह असफलता रहेगी। जब तक लोग दिखाने की कोशिश नहीं छोड़ते तब तक इस दुनिया में परिवार स्वर्ग नहीं हो सकता, तब तक मित्रता में जहर रहेगा, तब तक सब संबंध रोग पैदा करेंगे। क्योंकि जो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा देर नहीं चल सकता है। मैं जो हूं वो मैं सदा हो सकता हूं, जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं वो मैं कभी कभी हो सकता हूं। वो मैं कभी कभी हो सकता हूं और वो होना कष्टपूर्ण होगा। उस होने में मुझे चेष्टा करनी पड़ेगी, चेष्टा श्रम लाएगी, और जिसके लिए मुझे चेष्टा करनी पड़ेगी उसके प्रति मेरा सद्भाव नष्ट हो जाएगा। आदमी जैसा है वैसे की स्वीकृति ताओ है, और उस स्वीकृति से भी जीवन में गति आती है। यह मत सोचना कि उससे गति बंद हो जाती, उससे भी गति आती है, लेकिन गति में कोई तनाव नहीं होता। तब आदमी जैसा है उसमें से ही बहाव निकलता है। अभी हमें खींचना पड़ता है अपने को। इस खींचने के लिए 2 तरकीबें काम में लाई जाती हैं, या तो पीछे से हमें धक्का दिया जाए या आगे से हमें रस्सियां बांध के खींचा जाए। हमारी सब गतियां ऐसी हैं, या तो पीछे से कोई हमें धक्का दे रहा हो, मां बाप बेटे को धक्का देते रहते हैं कि पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नवाब की क्या हालत है, ये किसी को प्रयोजन ही नहीं है। वो अभी भी कहे चले जा रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। महत्वाकांक्षा, कुछ बन पाओगे, धक्का पीछे से दिया जा रहा है। और जब आदमी खुद योग्य हो गया अपने को धक्का देने में, तो पीछे से खुद को तो धक्का नहीं दिया जा सकता, दूसरे दे सकते हैं। खुद को धक्का देना हो तो महत्वाकांक्षा भविष्य में रखनी पड़ती कि अगर आज इतनी मेहनत करता हूं तो कल मुझे ये मिलेगा, एक तारा आकाश में, वहां पहुंच जाऊंगा कभी अगर मेहनत की तो। तो आदमी फिर दौड़ता है, आगे का तारा खींचता है। 2 ही उपाय हैं, या तो पीछे से कोई धक्का दे या आगे के लिए हम खुद दौड़ें। लेकिन ये दोनों ही कृत्रिम व्यवस्थाएं। एक और गति है, न कोई पीछे से धक्का दे रहा है, न कोई आगे से खींच रहा है, बल्कि मेरे प्राणों की जो ऊर्जा है वही बह रही है। मेरे प्राणों की जो ऊर्जा है वही बह रही है। हम कहते हैं कि नदी सागर की तरफ बह रही है, ये ठीक नहीं है कहना। नदी के साथ न्याय नहीं है। हमें लगता है क्योंकि हम नदी की सब अवस्थाएं देखते हैं, लेकिन नदी को सागर का क्या पता है। नदी सिर्फ बह रही है, बहने का नाम नदी है। बहते बहते सागर में पहुंच जाती है, ये दूसरी बात है। बहते बहते सागर मिल जाता है, ये दूसरी बात है। लेकिन नदी सागर के लिए बह नहीं रही। अगर किसी नदी को हम तैयार कर सकें, प्रशिक्षित कर सकें सागर की तरफ बहने के लिए, तो संभावना कम है कि नदी सागर तक पहुंच पाए। क्योंकि जैसे ही कोई नदी इस कोशिश में पड़ जाएगी कि मुझे सागर पहुंचना है, बहना भूल जाएगी। वो जो सागर पहुंचना है वो बहने का भूलना हो जाएगा। सागर पहुंचना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, बहना कम महत्वपूर्ण हो गया। नदी अपने बहने में आनंदित है, ये आनंद उसे एक दिन सागर पहुंचा देता है। कली फूल नहीं बनना चाहती,
बन जाती है। कली तो जो है है, इस होने से फूल निकल आता है। जीवन में, मनुष्य के जीवन में भी जो श्रेष्ठतम फूल खिलते हैं बुद्ध के, कृष्ण के या लाओत्से के, वो बड़े सहज फूल हैं। हम जो बिना खिले रह जाते हैं उसका कारण यह है कि हम बड़े होशियार हैं, हम बुद्ध से ज्यादा बुद्धिमान, हम लाओत्से से ज्यादा होशियार, वाइस, क्योंकि हम पहले से योजना बांधते हैं कहां पहुंचना है, क्या होना है, मंजिल हम पहले तय करते हैं। अक्सर हम मंजिल तय करने में ही समाप्त हो जाते हैं। मंजिल तो आदमी के भीतर है। अगर कली फूल बनना चाहे तो उसका मतलब हुआ कि फूल कहीं बाहर है जो कली बनना चाहती है, लेकिन कली तो कली ही हो जाए पूरी तरह तो फूल बन जाएगी, क्योंकि कली के भीतर छिपा है फूल। इस बात को ठीक से समझ लें, जो भी हम हो सकते हैं वो हमारे भीतर छिपा है, वो कहीं कोई भविष्य की मंजिल नहीं है, वो अभी और यहीं मौजूद है। इसलिए अगर हम अभी और यहीं अपनी परिपूर्णता में हो जाएं तो हम उसको रस दे रहे हैं जो हमारे भीतर छिपा है, उसको हम सींच रहे हैं, उसको हम पानी दे रहे हैं। अगर मैं अभी और यहीं अपनी परिपूर्णता में हो जाऊं तो मेरे भीतर जो बीज छिपा है वो प्राण पा रहा है, मेरे इस होने से आनंद पा रहा है, बढ़ रहा है, एक दिन वो खिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए मंजिल कोई बाहरी चीज है, हम सोचते हैं कुछ होना है, जो मैं हूं नहीं वो होना है। लाओत्से कहता है जो तुम नहीं हो वो तुम कभी नहीं हो सकोगे, और जो तुम हो केवल वही तुम हो सकते हो। लेकिन एक बात और जोड़ देने जैसी है, जो तुम हो जरूरी नहीं है कि हो पाओ, चूक भी सकते हो। जो तुम नहीं हो कभी नहीं हो सकोगे, जो तुम हो वही हो सकते हो, लेकिन जो तुम हो उस होने की कोई अनिवार्यता नहीं है, चूक भी सकते हो। कली कली भी रह सकती है, जरूरी नहीं कि फूल हो। बीज बीज भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि वृक्ष हो। लेकिन गुलाब की कली कोई भी उपाय करे तो कमल का फूल नहीं हो सकती। खतरा यह है कि कमल के फूल होने की चेष्टा में गुलाब की कली कहीं गुलाब होने से भी वंचित ना रह जाए। अक्सर वैसा होता है। आदमी योजना से पीड़ित है। योजना क्या है? और जो मंजिल हम चुनते हैं वो भी किस लिए चुनते हैं? वो भी हम दिखाते फिरते हैं किसी और को। हमारे आदर्श भी हमारे आभूषण हैं, और हमारे आदर्श भी हमारे श्रृंगार से ज्यादा नहीं। दूसरों को हम दिखाते फिरते हैं कि हम क्या हैं, क्या होना चाहते हैं, क्या होने की योजना है। जो अपने को दिखाता फिरता है वो वस्तुतः दीप्तवान नहीं है। अगर दीप्ति है तो लोग देख लेंगे, और लोग न देखें तो दीप्ति के होने में अंतर कहां पड़ता है? अगर आपके घर में दिया जला है तो आपके मकान की खिड़कियों से रोशनी बाहर जाएगी, कोई राहगीर निकलेगा तो देख लेगा। और राहगीर अंधा हो, निकले अपने में व्यस्त हो, अंधा भी ना हो, न देखे, तो दिए के होने में क्या फर्क पड़ता है? और अगर एक राहगीर खड़ा होकर प्रशंसा भी कर जाएगा कि दिया जला है और रोशनी हो रही, तो इससे दिए को कोई तेल नहीं मिल जाने वाला, और न ये प्रशंसा दिए की ज्योति को बढ़ा देगी। हां, हम जरूर ऐसे दिए हैं कि भभक के जल उठेंगे, अगर कोई कह जाए उसमें हमारा और तेल जो थोड़ा बहुत होगा चुक जाएगा, और अगर कोई ना निकले तो हम अपनी उदासी में डूब के बुझ जाएंगे। हमें पूरे समय दूसरे का उकसावा चाहिए। हम अपने से नहीं जीते, कोई हमें जिलाने को चाहिए, कोई हमें धक्का देता रहे, कोई हमें
सहारा देता रहे, कोई हमें कहता रहे। आप ऐसा मत सोचना कि यह किसी और के संबंध में बात हो रही है, यह आपके ही संबंध में बात हो रही है। जब कोई आपसे कह देता है कि कितने सुंदर हैं, तो भीतर कोई चीज भभक उठती। जब कोई आपकी तरफ से मुंह फेर लेता है और उसकी आंखें कह जाती हैं कि देखने योग्य कुछ भी नहीं है, तब भीतर कोई ज्योति बुझ जाती। ये ज्योति आपकी नहीं है, इतना पक्का आप समझ लेना। ये कोई और जलाता है, कोई और बुझाता है। आप लोगों के हाथ के खिलौने हैं। इसको अगर हम धर्म की भाषा में कहें तो कहना होगा, आपके पास अपनी कोई आत्मा नहीं है, आप उधार हैं, आप दूसरों की पूंजी से चल रहे हैं। इसलिए एक मजे की घटना घटती है, राजनेता जब तक ताकत में होते हैं आमतौर से मरते नहीं। ऐसा नहीं कि मरते ही नहीं है, मरना तो पड़ता ही है, लेकिन आमतौर से मरते नहीं। और राजनीतिक नेता आमतौर से जब तक ताकत में होते हैं बड़े स्वस्थ होते हैं। लेकिन कोई धक्का लगे उनकी प्रतिष्ठा को और वो बीमार होना शुरू हो जाते, और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए और उनकी मृत्यु करीब आ जाती। वो जो चमक और दीप्ति दिखाई पड़ती है वो उधार है। इसलिए जब भी कोई राजनेता अपने जीवन में जल्दी शिखर छू लेता है तो मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि उसके बाद उतरने के सिवाय कोई उपाय नहीं रहता, और हर उतार उसके जीवन को छीन कर जाता है, फिर जीने का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। मनस्वित कहते हैं कि लोग अपने कामों से निवृत्त होकर रिटायर होकर 10 साल पहले मर जाते, कम से कम 10 साल उनकी उम्र कम हो जाती। भला वे कुछ भी रहे हो, एक स्कूल में हेडमास्टर ही क्यों ना रहे हो, हेडमास्टर ही सही, लेकिन 200-400 बच्चों में तो अकड़ होती ही है। बच्चों के लिए तो हेडमास्टर करीब करीब परमात्मा ही होता है, और अगर बच्चों से पूछे भी कि परमात्मा कैसा है तो उनको जो तस्वीर ख्याल में आएगी वो हेडमास्टर की, और कोई आ नहीं सकती। हेडमास्टर रिटायर हो जाता है, अब कोई बच्चे रास्ते पर नमस्कार नहीं करते, किन्हीं मास्टरों को भी धमका नहीं सकता है, चपरासियों पर रोब नहीं गांठ सकता है। आदत, जीवन ऊर्जा एकदम फीकी पड़ जाती, लगता है बेकार है, अब होने का कोई अर्थ नहीं। औरंगजेब ने अपने बाप को बंद कर दिया था जेलखाने में, तो शाहजहां ने खबर भिजवाई कि मेरी आदतों को देखते हुए तू इतना तो कम से कम कर कि 30 बच्चे मुझे दे दे तो मैं उनको पढ़ाने का काम करूं। शाहजहां ने खबर भिजवाई कि मुझे 30 बच्चे दे तो मैं एक छोटा मदरसा चलाऊं। औरंगजेब ने अपने संस्मरणों में लिखवाया है कि शाहजहां को सब कुछ होने का, सॉवरन होने का ऐसा शौक था कि जेल खाने में भी उसको अकेले होने में चैन न पड़ी, 30 बच्चे भिजवाने पड़े, और तब 30 बच्चों के बीच में कुर्सी पर बैठ के वो फिर दरबार में बैठ गया, 30 बच्चों को पढ़ाने लगा, सिखाने लगा, डांटने डपटने लगा, फिर सम्राट हो गया। छोटी क्लास में एक शिक्षक भी सम्राट ही है। क्लासें हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, कोई बहुत फर्क तो पड़ता नहीं। आप 40 करोड़ की क्लास में बैठे हैं कि 40 की क्लास में बैठते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जितने हैं उनके ऊपर आप हैं, बस काफी है। दीवार के बाहर बड़ा जगत है, उससे क्या लेना देना है, उससे क्या प्रयोजन है। औरंगजेब बीमार था, जेलखाने में स्वस्थ हो गया ना, शाहजहां बीमार था, स्वस्थ हो गया, प्रसन्न हो गया, काम में उसे मजा आने लगा। ये 30 बच्चों की आंखें फिर दिए में ज्योति डालने लगी। ज्योति अपनी बिल्कुल नहीं है। ये जो उधार जीवन है ये अधार्मिक जीवन है, और इस उधार जीवन का सूत्र क्या है, जो अपने को दिखाता फिरता है वो समझ ले ठीक से कि उसमें कोई दीप्ति नहीं है, और ये भी समझ ले कि उधार दीप्ति सिर्फ धोखा है।
अच्छा हो कि अपनी दीप्ति को खोजने में लगे बजाय दूसरों की आंखों से दीप्ति चुराए और धोखा पैदा करे। अच्छा हो कि अपना दिया जलाए बजाय दूसरों के दिए के सामने अपने आईने को करके उसमें दियों को देखे। हम देख सकते जरूरी नहीं है कि मेरे मकान की खिड़की में भी दिया जले तो प्रकाश निकले। आपके मकान में निकल रहा हो, मैं अपने मकान की खिड़की पर आईना लगा सकता हूं और तब यह भी हो सकता है कि राहगीर मेरी खिड़की से ज्यादा प्रकाश को निकलता देखें बजाय आपकी खिड़की के। लेकिन आईना सिर्फ धोखा है। हम सब आईने के मकान में रहते हैं, हम अपने चारों तरफ व्यक्तित्व में आईने लगा लेते हैं, उनमें दूसरों की छाया को हम इकट्ठी करते रहते हैं। इसलिए कोई भी आदमी अपने से श्रेष्ठतर लोगों के पास रहना पसंद नहीं करता। सभी लोग अपने से निकृष्ट लोगों के पास रहना पसंद करते हैं। अपने से नीचे आदमी को खोजना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब पास होता है तो हमारे आईने में अकड़ आ जाती। श्रेष्ठतर व्यक्ति के पास हम खड़े हों तो हम छोटे पड़ जाते। जिस व्यक्ति ने यह तय कर लिया कि अब मैं अपने से श्रेष्ठतर व्यक्ति के पास रहूंगा, उसको धर्म की भाषा में शिष्य कहते हैं, डिसाइपल। लेकिन हम गुरुओं से डरते हैं, गुरु के पास होना भी खतरनाक है। इसलिए अगर कोई गुरु हमें समझाए कि गुरु की कोई भी जरूरत नहीं, हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है, बिल्कुल ठीक। अपने से श्रेष्ठतर के पास होने में हम छोटे मालूम पड़ते हैं, हमारा दिया बुझने लगता है। अपने से निकृष्ट के पास हम श्रेष्ठ मालूम पड़ते हैं। कोई पति अपने से लंबी पत्नी से शादी करना पसंद नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। यह हो सकता है इसी कारण से स्त्रियों की लंबाई लाखों वर्षों में कम हो गई, क्योंकि कोई पुरुष लंबी स्त्री से शादी करना पसंद नहीं करेगा, यह अयोग्यता हो जाएगी। पुरुष अपने से ज्यादा बुद्धिमान स्त्री से भी शादी करना पसंद नहीं करते, अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी स्त्री से भी शादी करना पसंद नहीं करते। क्यों? वो जो पुरुष का अहंकार है, दिन भर बाजार में कुटा पिटा घर लौटता है, वहां भी पिटाई उसकी हो जाए कष्ट असह हो जाएगा जीवन। इतनी सुविधा बनाने की उसे हम आज्ञा दे देते हैं, इसीलिए कि दिन भर न मालूम कहां कहां पिटता है, कितना कंपटीशन है, कितनी स्पर्धा है, जगह जगह अपने से पहाड़ मिल जाते हैं, वहां से लौटता है, घर आके पत्नी को देख के बड़ी तृप्ति होती। ये जो आदमी का मन है, ये सदा अपने से छोटे लोगों को अपने पास खोजने में लगा रहता है। उधार जिनकी ज्योति है उनके लिए यही सूत्र है। जिन्हें अपनी ज्योति खोजनी है उन्हें निरंतर शिखर की तलाश करनी चाहिए। जिन्हें अपनी ज्योति खोजनी है उन्हें अपने सब दर्पण तोड़ देने चाहिए। उन्हें नग्न वे जैसे हैं वैसे ही अपने को स्वीकार कर लेना चाहिए। सारे वस्त्र हटा के अपनी नग्नता को जानना उसकी तथ्यता में, फैक्टिसिटी में, जीवन क्रांति की तरफ पहला कदम है। जो स्वयं अपना औचित्य बताता है वो विख्यात नहीं है। जो स्वयं कोशिश करता है समझाने की कि मैं विख्यात हूं, जो स्वयं कोशिश करता है समझाने की कि मैं सही हूं, उसे खुद भी शक है। असल में हमारे अपने ही शक हमें परेशान करते हैं, दूसरे के शकों से क्या प्रयोजन है। एक आदमी आके आपको कह जाता है कि आप चरित्रहीन हैं, अगर आपको खुद भी शक है
तो इस आदमी की बात घाव पे पड़ जाएगी। अगर आपको खुद शक नहीं है तो आप इस आदमी पे हंस सकते हैं। बंगाली के प्रसिद्ध कथाकार हुए शरतचंद्र, एक शब्द गृहिणी ने जो शरतचंद्र के उपन्यासों से बड़ी प्रभावित थी, एक बहुत कुलीन परिवार की महिला, उसने एक दिन शरतचंद्र को जाके निमंत्रण दे आई भोजन के लिए। लेकिन शरतचंद्र ने एक किताब लिखी थी चरित्रहीन, और ऐसे भी शरतचंद्र का चरित्र ऐसा चरित्र नहीं था कि साधारण बुद्धि के लोग उन्हें चरित्रवान कह सके। उन्हें चरित्रवान कहने के लिए बड़ी असाधारण समझ चाहिए। जिनको हम सब चरित्रवान कह पाते हैं उसका मतलब दो ही है, कि जो हमारी समझ से भी चरित्रवान है वो कोई बहुत गहरे चरित्रवान नहीं हो सकते। हमारे मापदंड में भी जो चरित्रवान उतर जाते हैं। तो शरतचंद्र को तो लोग चरित्रहीन ही समझते थे। जैसे ही घर में पता चला कि एक गृहिणी निमंत्रण कर आई है, तो नौकरानी ने उसकी सास को कहा कि चरित्रहीन चटर्जी को निमंत्रण कराई, ऐसे आदमी को घर में घुसने भी नहीं देना चाहिए। तो सास ने तो कहा कि इसी वक्त जाके और इनकार कराओ, कहना कि मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। उसने बहुत समझाया कि ये पागल है, और फिर एक दफा भोजन ही की बात है, आधा घंटा चरित्रहीन ही सही, भोजन करके चले जाएंगे, निमंत्रण दिया है, अब जाके मना करूं बहुत अशोभन है। फिर उसके मन में बहुत आदर भी था, लेकिन कोई तरह सास राजी ना हुई तो उसे जाना पड़ा। लेकिन आदर इतना था शरद बाबू के प्रति, उसने झूठ बोलना ठीक ना समझा। उसने सारी घटना ऐसी ही बता दी कि नौकरानी ने खबर दे दी है कि आप चरित्रहीन हैं और मेरी सास छाती पीट रही, रो रही, और अब असंभव है आपको ले जाना। शरतचंद खूब हंसे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेफिक्र रहे, और तो और है, पत्नी को भीतर से बुलाया और कहा कि इससे मैंने विधिवत विवाह किया है, फिर भी लोग कहते हैं मेरी रखेल, तो उस महिला ने कहा कि आप इसका प्रतिवाद क्यों नहीं करते। तो शरतचंद ने कहा अगर मुझे शक होता तो प्रतिवाद करता, अब मैंने विधिवत विवाह किया है, अब इसमें और क्या प्रतिवाद करना है। और जिनको मेरी विधि और मेरा विवाह जिनको आश्वस्त नहीं कर पाया, मेरा औचित्य उन्हें आश्वस्त कर पाएगा, इस वंचना में पड़ने का कारण क्या है। शरतचंद ने कहा कि हम जो मानना चाहते हैं वो हम मान ही लेंगे, किसी का औचित्य बहुत फर्क नहीं कर पाता। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन जब भी अपने घर लौटता था तो पत्नी उसके कपड़ों पर बाल खोजती थी, अक्सर मिल जाते थे। मुल्ला शौकीन आदमी था तो कलह निरंतर होती थी। आखिर मुल्ला ने सोचा इतनी सी ही तो बात से चरित्र का सब तय होता है। तो एक दिन घर आने के पहले एक लॉन्ड्री में जाकर उसने सारे कपड़े पर ब्रश करवा के सब तरह से सफाई करवा दी और फिर घर लौटा। उसने सोचा आज तो पक्का है कि कोई कलह का कारण नहीं। उसकी पत्नी ने उसके सारे कपड़े देखे, छाती पीट कर रोना शुरू कर दिया और कहा कि अब तुमने गंजे सिर की स्त्रियों से भी प्रेम करना शुरू कर दिया। किसी बात की हद होती है, उसकी पत्नी ने कहा। आदमी जो मानना चाहता है मानता ही रहता है, कोई तर्क बहुत फर्क नहीं कर पाते। हां, उचित सिद्ध करने की चेष्टा में व्यक्ति अपने संदेहों को प्रकट कर देता है। तो लाओत्से कहता है जो स्वयं अपना औचित्य बताता है वो विख्यात नहीं है, जो अपनी डींग हांकता है वो श्रेय से वंचित रह जाता है, जो घमंड करता है वह लोगों में कभी अग्रणी नहीं हो पाता। ताओ की दृष्टि में उन्हें सद्गुणों के तलछट और
फोड़े कहते हैं। किन चीजों को? जो चीजें लाओसे ने ऊपर गिनाई। तनाव से भरा हुआ व्यक्ति जो अपने को दिखाता फिरे, ऐसा व्यक्ति जो अपना औचित्य सिद्ध करे, ऐसा व्यक्ति जो डींग हाके, जो घमंड करे, ऐसा व्यक्ति, इसे लाओसे कहता है ये सदगुणों के तलछट और फोड़े। ऐसा व्यक्ति सदगुणी नहीं है। लेकिन हम तो जिनको भी सदगुणी मानते हैं वे इसी तरह के व्यक्ति होते हैं। आपको अपने त्याग का भी प्रचार करना पड़ता है तो लोग आपको त्यागी मानते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने त्याग किया ही हो, ठीक प्रचार जरूरी है। अगर आप अपने सद्गुणों की खुद ही चर्चा नहीं करते हैं तो कोई आपके सद्गुणों की चर्चा करने वाला नहीं। लोगों को अपने सद्गुणों की चर्चा की चर्चा से फुर्सत मिले तो आपके सद्गुणों की भी चर्चा करें। और जहां सब अपने में उत्सुक हैं, किसको फिक्र है कि आप में सद्गुण भी हैं? तो हर आदमी को अपना ही प्रचार करना पड़ता है। प्रचार ठीक से आप करें, यही जरूरी मालूम पड़ता है। जैसे समाज में हम जीते हैं, जहां हम जीते हैं, अगर लोग नहीं मान पाते तो उसका मतलब यह है कि प्रचार में कोई त्रुटि रह गई। अगर फिर भी लोग पता लगा लेते हैं तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपका प्रचार की जो संरचना है वो भूल भरी है। ठीक प्रचार करने पर लोग मानेंगे ही। लोग मानते ही उसी बात को हैं जिसको उनके मस्तिष्क पर ठोका जाता है और प्रचार किया जाता है। हमारे सद्गुणी, हमारे महात्मा, हमारे साधु, हमारे चरित्रवान, हमारे नीतिनिष्ठ व्यक्ति, हम अपने प्रचार को हटा लें फिर कहां खड़े रह जाएंगे? बहुत अजीब है, हम प्रचार से जीते हैं। मैंने सुना गुजरात के एक बड़े समाज सेवी ठक्कर बापा एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। गांधी जी के अनुयायी थे इसलिए थर्ड क्लास में चलते थे। बड़ी भीड़ भाड़ थी, बमुश्किल तो अंदर हो पाए, बंबई की तरफ आते थे। एक मोटा आदमी पूरी सीट पर कब्जा किए लेटा हुआ था। बीसों लोग खड़े हैं, स्त्रियां बच्चे खड़े हैं, बड़ी भीड़, बड़ी गर्मी, और वो आदमी पूरा सीट रोके हुए अपना अखबार पढ़ रहा। ठक्कर बापा ने उसे कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूं, अगर थोड़ी जगह दे दूं। उसने कहा चुप रह बूढ़े, फिजूल गड़बड़ मत कर। अखबार पढ़ के वो अपने बगल वाले आदमी से कहता है कि कल बंबई में ठक्कर बापा का व्याख्यान है। सुनना है मुझे भी। और ठक्कर बापा उसके पास खड़े। आदमी को मानिए कि अखबार को मानिए, अखबार बड़ी चीज है। एक जैन बहुत क्रांतिकारी विचारक व्यक्ति थे, महात्मा भगवान देन। वो मेरे एक मित्र के घर नागपुर में मेहमान थे। उन मित्र ने मुझे घटना बताई। आए थे कुछ चंदा करने कोई एक आश्रम, वृद्ध और विधवाओं का आश्रम चलाते थे, उसके चंदा करने आए थे। तो मित्र से कहा कि चंदा करने आया हूं, और चंदा करने निकल गए। दिन भर मेहनत करके कोई 5-7 रुपए लेके लौटे। तो मित्र ने कहा ये भी हद हो गई, 5-7 रुपए, तो आपको मालूम नहीं चंदा कैसे किया जाए, कल हम निकलेंगे। उसके पहले अखबारों में ठीक से खबर निकाली कि महात्मा भगवान दीन कौन है, क्या है।
फिर 10-5 लोगों की भीड़ भाड़ लेके लोगों के घर पहुंचे और फिर एक झूठी फेरिस्त लेके पहुंचे जिसमें 2-4 बड़े आदमियों के नाम थे जिनके नाम के सामने 1,000 रुपया, किसी के सामने 500 रुपया, वो सब झूठे थे। और जिसकी दुकान पे गए उसने 4 नाम देखे, महात्मा भगवान दीन उठ के खड़े हुए, पैर छुए। कई दुकानें तो वो थी कल पे जिन पे वो जाके 4 आने लेके लौट आए थे, उन्होंने 101 रुपया, किसी ने 201 रुपया दिए। कल जो आदमी आया था वो महात्मा भगवान दीन नहीं था, आज जो आदमी आया बड़ा महात्मा है। और हम आदमी को थोड़ी देते हैं, हम प्रचार को देते, हम सबको लगता ही है ऐसा कि हम आदमियों से संबंधित हैं, हम प्रचार से संबंधित हैं। मैं एक विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो पहले ही वर्ष था मेरा और बुद्ध जयंती आई, तो उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने व्याख्यान दिया और उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक पीड़ा हमेशा बनी रहती, जब भी बुद्ध का नाम आता है तब मुझे ऐसा लगता है कि काश हम उनके जमाने में होते तो उनके चरणों में बैठ के कुछ सीखते। मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने उनसे कहा कि आप इस पर फिर से सोचें। जहां तक मैं समझता हूं आप बुद्ध के जमाने में होते तो आप आखिरी आदमी होते उनके चरणों में जाने वाले। उन्होंने कहा क्या मतलब? तो मैंने कहा आपको कम से कम 2,500 साल का प्रचार चाहिए पहले कि बुद्ध, 2,500 साल का प्रचार है तब आपको ऐसा ख्याल उठ रहा है। मैंने उनसे पूछा कि इस जमाने में किस जागृत व्यक्ति के चरणों में जाके आप बैठे? या तो आप कहिए कि कोई जागृत व्यक्ति है ही नहीं, छोड़िए जागृत व्यक्ति के, आपसे भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति इस जमीन पर इस समय है? वो थोड़ा बेचैन हुए। मैंने कहा आप 2,500 साल बाद फिर पैदा होकर इसी तरह सिर पीटेंगे कि काश उस वक्त हम होते तो चरणों में जाके बैठते। चरणों में बैठने की आपकी वृत्ति नहीं है, लेकिन 2,500 साल का लंबा प्रचार है। तो बुद्ध से आपकी कोई पहचान नहीं हो सकती, प्रचार से संबंध है। जिनने जीसस को सूली लगाई उन्हें जरा भी नहीं लगा कि कोई खास आदमी को सूली लगा रहे, और अब वो पैदा हो जाएं तो वो सोचेंगे काश जीसस के वक्त में होते तो चरणों में बैठ के अमृत मिल जाता, और यही उनको सूली लगाने वाले थे। 1,00,000 आदमी इकट्ठा था जीसस को सूली लगाते वक्त, एक को नहीं लगा कि किसी आदमी को हम मार रहे हैं जिसके चरणों में बैठ के लोग कभी तड़फेंगे जिसके चरणों में बैठने को। लेकिन चरणों से हमें मतलब नहीं, चरणों का प्रचार चाहिए। कैंडी में, श्रीलंका में कैंडी के मंदिर में एक दांत रखा हुआ है, उसको लोग 1,000 साल से सिर झुका रहे, ख्याल है कि वो बुद्ध का दांत है और ये सिर्फ प्रचार है। क्योंकि उसकी खोज भी नहीं हुई तो पता चला कि वो आदमी का भी दांत नहीं है, बुद्ध का तो हो ही नहीं सकता। वो दांत किसी जानवर का है, लेकिन वो जो लाखों लोग सिर झुका रहे हैं उनको दांत से थोड़ी मतलब है, प्रचार से मतलब है। हम जीते हैं प्रचार से। और लाओस से कहता है ये जो वृत्ति है सतह पर, नीति, आचरण, साधुता, सबको तौल लेने की, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये तो सद्गुणों का तलछट है, ये तो सद्गुण तो कहीं दूर हैं बहुत, ये तो कचरा कूड़ा है जो बचा हुआ है।
इसका कोई संबंध नहीं है सद्गुणों से, और न केवल ये कचरा है बल्कि ये फोड़े हैं। तो जिनको आप पूजते हैं जिस सद्गुण के कारण, उस सद्गुण से आदमी कोई आनंद नहीं मिल रहा और आप पूजा कर रहे हैं, ये फोड़े होने का ये मतलब, उनको दुख रहा है। मैं ऐसे बहुत साधुओं को जानता हूं जिनके हजारों भक्त हैं, और उन साधुओं से मैं मिला हूं तो अकेले वो मुझसे कहते हैं कि अभी हमें ध्यान नहीं हुआ, कोई रास्ता बताएं। और हजारों हैं जो सोच रहे हैं इनके चरणों में बैठ के उनको ध्यान हो जाने वाला है। यहां बंबई में कोई 10 वर्ष पहले एक बड़े साधु के साथ मैं बोल रहा था, उन्होंने आत्मज्ञान पर बड़ी अद्भुत बातें कही। जानते थे सभी कुछ, जिसको जानने में कोई अड़चन नहीं है। पीछे मैं बोला और जब वे जाने लगे तो मैंने उनसे बहुत धीरे से कहा कि आपने जो भी कहा है उसका आपको पता नहीं। पता होता तो कोई झगड़े नहीं था, लेकिन उनको भी पता तो था ही कि पता नहीं है, चोट लग गई, नाराज दिखाई पड़े और कहा कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। मैंने कहा कि अब आप सोचना, मैंने कह दिया, अब आप सोचना। रात भर सो नहीं सके क्योंकि बेचैनी रही, पर आदमी ईमानदार थे। दूसरे दिन सुबह उन्होंने मुझे बुलवाया, ये देख के कि मैं जा रहा हूं 10-20 उनके भक्त इकट्ठे हो गए, पर उन्होंने कहा मैं तो अकेले में मिलना चाहता हूं, तो दरवाजे बंद कर लिए। और तब वो मुझसे बोले कि 60 साल का मैं हो गया, मुझसे कभी किसी ने ये कहा ही नहीं कि आपको पता नहीं, सब मानते हैं कि मुझे पता है, और धीरे धीरे मैं भी भूल गया था कि मुझे पता नहीं। कल अचानक चौंका दिया आपने, इसलिए पहले तो क्रोध आया, फिर रात मैंने सोचा कि क्रोध का क्या प्रयोजन है, पता तो मुझे नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर ठीक सच में ही समझ में आ गया तो दरवाजा खोल दें और वो जो 20-25 आदमी बाहर बैठे उनको भी भीतर बुला। उन्होंने कहा क्या कहते हैं आप, सब प्रतिष्ठा पानी में मिल जाए। वो मानते हैं कि मुझे पता है, इसलिए तो सारी प्रतिष्ठा है। पर मुझे कोई रास्ता बता दें। लेकिन ये भी वो चोरी में ही पूछते हैं। मैंने कहा कि रास्ते की शुरुआत हो जाएगी, उन लोगों को बुला ले, उनके सामने ही पूछे। इतना भी हिम्मत नहीं थी कि उनको सामने बुला के पूछ ले। जो साधु समझाते हैं लोगों को ब्रह्मचर्य पर, एकांत में मुझे मिलते हैं, वो पूछते हैं ब्रह्मचर्य कैसे सधे, सधता तो नहीं। और जितना कम सधता है उतना व्याख्यान में ज्यादा जोर लगाते हैं कि ब्रह्मचर्य साधो। वो आपको कम समझा रहे हैं, खुद को ज्यादा समझा रहे हैं। चौबीस घंटे ब्रह्मचर्य की बात करते रहेंगे, लेकिन भीतर फोड़ा है वो उनका। आप समझ रहे हैं वो उपदेश कर रहे हैं, वो उनका फोड़ा है, ये मवाद बह रही है फोड़े से, ये उनका दुख है भीतर। आदमी अपने को धोखा देने में अति कुशल है। वो ये भी मानने को राजी नहीं होता कि मैं बीमार हूं, इसमें भी तकलीफ होती है मानने में कि मैं बीमार हूं। वो कहता हूं तो मैं स्वस्थ है, लेकिन दवा दे दे, अगर कोई दवा हो। लेकिन स्वस्थ की कोई दवा होती है? बीमारी स्वीकार करना आवश्यक है। आपने कभी ख्याल किया, इसको सूत्र समझ लें, कि जो सद्गुण आपको आनंद न देता हो वो सद्गुण आपके लिए फोड़ा है। लोग मेरे पास आके कहते हैं कि हम ईमानदार हैं लेकिन कष्ट भोग रहे हैं। ईमानदार हैं तो
तो कष्ट कैसा? वो कहते हैं बेईमान बड़ा मजा कर रहे हैं। ईमानदार कष्ट भोग रहे हैं, बेईमान बड़ा मजा कर रहे हैं। मत भोगे ऐसा कष्ट, बेईमान हो जाएं। ये ईमानदारी झूठी है, ये तलछट है, ये सदगुण नहीं है, ये फोड़ा है, इससे कुछ मिलता नहीं। मजा ये है कि ये फोड़ा ऐसा है कि इससे बेईमान भी ज्यादा लाभ में है, ये मालूम पड़ता है। ये आश्चर्य की बात है। एक आदमी कहता है कि हम सत्य बोलते हैं और दुख पाते हैं, और झूठ बोलने वाले आगे बढ़े जा रहे हैं। अगर सत्य बोलना काफी नहीं है आनंद के लिए, तो ये सत्य फोड़ा है। तब इसका मतलब केवल इतना ही है कि आप में झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए झूठ भी नहीं बोलते। लेकिन झूठ बोलने से जो मिलता है उसका लोभ आपको सता रहा है, वो आप चाहते। बड़े बेईमान है, बेईमान से भी ज्यादा बेईमान है। बेईमान बेईमानी करता है और बेईमानी से जो मिलता है वो पाता है। आप बेईमानी भी नहीं कर सकते, उतनी भी हिम्मत नहीं। ईमानदार होने का ढोंग भी जारी रखते हैं और बेईमानी से जो मिलता है वो भी पाना चाहते हैं। आपकी चालाकी ज्यादा है, आप ज्यादा कनिंग हैं। बेईमान का हिसाब साफ है। बेईमान मुझे कभी कहता नहीं मिलता कि हम इतनी बेईमानी कर रहे हैं फिर भी सुख नहीं पा रहे, फला ईमानदार आदमी सुख पा रहा है। बेईमान कहते ही नहीं ये। बेईमान कभी नहीं कहता कि हम इतनी बेईमानी करके भी सुख नहीं पा रहे और फला ईमानदार आदमी सुख पा रहा है बिना बेईमानी के। असल में ईमानदार आदमी सुखी दिखाई नहीं पड़ता, बेईमान को लगता है कि वो हमसे भी ज्यादा दुख पा रहे हैं। कोई ईमानदार आदमी सुखी दिखाई नहीं पड़ता, और जिस आदमी की ईमानदारी सुख नहीं है उसकी ईमानदारी फोड़ा है। जो आदमी सच में सद्गुण में जीता है उसके लिए इस जगत में कोई तुलना नहीं है फिर किसी से। फिर उसके सामने कोई स्वर्ग को लाके रख दे और कह दे कि तू सच बोलना छोड़ दे और स्वर्ग ले ले, तो कहेगा अपना स्वर्ग ले जाओ अपने साथ, क्योंकि मेरे लिए सत्य बोलना ही स्वर्ग है। और अगर सत्य बोलना स्वर्ग नहीं है तो कोई स्वर्ग स्वर्ग सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन हमसे कोई स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है। नए ढंग का नरक भी बता दे तो हम झूठ बोलने को तैयार। कम से कम नए ढंग का नरक तो है, पुराने से छुटकारा हुआ है, इसको ग्रहण करें, थोड़ी राहत तो मिलेगी। लाओ से इसको फोड़ा कहता है, सद्गुण को फोड़ा, जैसे सद्गुण हम जानते हैं। लेकिन फोड़ा कहने का प्रयोजन इतना ही है कि आपके भीतर, फोड़े का मतलब क्या होता है कि आपके व्यक्तित्व की, आपके प्राणों की जो व्यवस्था है उसमें कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई विजाती तत्व खटकता है। स्वास्थ्य का अर्थ कोई विजाती तत्व खटकता नहीं है, आप एक गहरी संगीत की व्यवस्था में है, एक लयबद्ध, कोई चीज खटकती नहीं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति के सद्गुण दूसरों को दिखाने के निमित्त नहीं, अपने आनंद से निष्पन्न हुए हो। और ऐसे सद्गुण तभी फलित हो सकते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए हमने अपने ऊपर जबरदस्ती दबाव ना डाला हो, बल्कि अपनी सहजता के प्रवाह में उन्हें उपलब्ध किया हो। अगर कोई आदमी सहज बहे और एक दफा जिंदगी में बेईमानी भी आ जाए तो हर्जा नहीं है, क्योंकि सहज बहने वाला बेईमानी में ज्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि बेईमानी इतनी असहज है। कभी आपने झूठ बोला? एक आध दफा बोला हो तो ही ख्याल में आएगा, रोज बोला हो तो फिर बिल्कुल ख्याल में नहीं आएगा। अगर आपने एक आध दफा झूठ बोला हो तो आपको पता चलेगा कि आपको उस झूठ के लिए अब जिंदगी भर झूठ बोलना पड़ेगा, वो इतना असहज है। और अब आप किससे क्या कहते हैं ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक झूठ
जो आप बोल दिए हैं, अब उसके हिसाब से आपको सब बोलना पड़ेगा। आपकी सारी जिंदगी झूठ हो जाएगी। झूठ इतना असहज है, झूठ को याद रखना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, जिनकी स्मृति कमजोर है उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए बड़ी गहरी स्मृति चाहिए। इसलिए अक्सर स्मृति जिनकी कमजोर है वो ईमानदार रहते हैं। उसका कारण ये नहीं है, झूठ बोलने में झंझट है, उसमें बड़ा हिसाब रखना पड़ता है। वो शतरंज का खेल है, उसमें कई चालें आगे की भी याद रखनी पड़ती। सच बोल के भूला जा सकता है, सच को याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं। इसलिए सच का कोई बोझ नहीं पड़ता। इसलिए जितना सच्चा आदमी होता है उसके मन पर उतना कम बोझ होता है, जितना झूठा आदमी होता है उसके मन पर बोझ बढ़ता चला जाता, पहाड़ खड़े हो जाते। हजारों झूठों का बोझ उसको पूरा तना हुआ रखता, फोड़ा बन जाता है। अगर कोई सच को सहजता से बोल रहा है तो उसके जीवन में फोड़े नहीं होंगे। अगर ईमानदारी को कोई सहजता से जी रहा है तो उसके जीवन में फोड़े नहीं होंगे। एक अमेरिकन मनस्विद फ्रेडरिक पल्स ने अपनी मृत्यु के पहले, अभी उसकी मृत्यु हुई, एक छोटा सा कम्यून बनाया था। उस कम्यून में जितने परिवार थे, 10-5 मित्रों के परिवार थे, तो उस कम्यून का एक मोटो बनाया था। वो आदमी मर गया, पता नहीं वो कम्यून चल सकेगा नहीं चल सकेगा, लेकिन वो मोटो मुझे बहुत पसंद पड़ा। इतना ही सहज हो तो जीवन में प्रेम का फूल खिल सकता है। मोटो ये था, पल्स ने अपने कम्यून के दरवाजे पर लिख रखा था, I am I, You are you. If I can love you, it is beautiful. If you can love me, it is beautiful. If I cannot love you, I am helpless. If you cannot love me, you are helpless. मैं हूं, तुम हो। यदि मैं तुम्हें प्रेम कर पाऊं सुखद है, यदि तुम मुझे प्रेम कर पाओ सुखद है, यदि मैं तुम्हें प्रेम न कर पाऊं तो असहाय हूं, यदि तुम मुझे प्रेम न कर पाओ तो असहाय हो, और कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये परिवारों के लिए सूत्र, लेकिन इतनी सरलता से अगर आप किसी को प्रेम करें तो आपका प्रेम घाव नहीं बनेगा। कर पाए तो सुंदर है, न कर पाए तो आदमी असहाय है। खिल जाए प्रेम सुखद है, न खिल पाए तो चेष्टा से खिलाने का कोई उपाय नहीं। यह मतलब है असहाय होने का, आई एम हेल्पलेस। अगर मैं आपको प्रेम कर पाऊं तो ठीक है, न कर पाऊं तो चेष्टा से करने का कोई उपाय नहीं, और अगर चेष्टा से करूंगा तो सब जहर हो जाएगा। फिर मैं खड़ा हो गया अपने पंजों के बल, और जिस जीवन में प्रेम भी सहज नहीं, उस जीवन में कुछ भी सहज नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जिसके जीवन में प्रेम सहज नहीं, पैसा कैसे सहज होगा? पैसा तो अनिवार्य रूप से असहज चीज है, प्रेम अनिवार्य रूप से सहज चीज है। जिनका प्रेम तक तनाव है उनका सब तनावग्रस्त हो जाए। लाओस से कहता है, ये हैं सद्गुण की तलछट और फोड़े, वे जुगुप्सा पैदा करने वाली चीजें, घृणा पैदा करने वाली चीजें। बड़ी हैरानी की बात लाओस से कहता है, वो कहता है जब सद्गुण फोड़ा होता है तो उससे ज्यादा जुगुप्सा, उससे ज्यादा घृणोत्पादक और कोई चीज नहीं होती। ये होगा भी, क्योंकि चीजें विपरीत से जुड़ी होती हैं। प्रेम से ज्यादा सुंदर इस जगत में कोई भी चीज नहीं है, लेकिन प्रेम जहां अभिनय है, प्रेम जहां असत्य है, वहां प्रेम से ज्यादा कुरूप चीज भी खोजनी असंभव है।
वे जुगुप्सा पैदा करती हैं, जहां सद्गुण फोड़े की तरह मवाद से भरे होते हैं और जहां साधु सिर्फ छिपे हुए असाधु होते हैं और जहां वस्त्रों के सिवाय सफाई भीतर कहीं भी नहीं होती और जहां आत्मा भी अपनी नहीं उधार होती है, दूसरों से मांग कर भिक्षा पात्र में जहां आत्मा इकट्ठी करनी पड़ती है, उससे ज्यादा जुगुप्सा पैदा करने वाली और कोई चीजें नहीं होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार एक अपराधी भी सुंदर हो सकता है लेकिन झूठा साधु सुंदर नहीं हो सकता। एक बार क्रोध में भी एक त्वरा और चमक हो सकती है लेकिन झूठे चेष्टित प्रेम में उतनी चमक भी नहीं होती। एक बार क्रोध भी ताजा हो सकता है लेकिन चेष्टा से दिखाया गया प्रेम सदा बासा होता है। और प्रेम जब बासा होता है तो जितनी दुर्गंध देता है उतना ताजा क्रोध भी नहीं देता। ताजगी क्रोध की भी भली है और बासापन प्रेम का भी बुरा है। जब प्रेम ताजा होता है तब की बात ही करनी उचित नहीं है, जब प्रेम ताजा होता है तब की बात ही करनी उचित नहीं, और जब क्रोध भी बासा होता है तब आदमी बिल्कुल मुर्दा है, कब्र है, आदमी नहीं। जीसस ने कहा है तुम सफेदे से पोते गए ताबूत हो, कब्रें हो सफेदे से पोती गई, तुम्हारी सफेदी ऊपर है भीतर सब सड़ रहा है। हमारे सद्गुण ऊपर से पोती गई सफेदी हैं अगर, तो लाओ से कहता इससे ज्यादा जुगुप्सा पैदा करने वाली और कोई चीज नहीं। इसलिए ताओ का प्रेमी उनसे दूर ही रहता है। ताओ का प्रेमी ऐसे सद्गुणों से दूर रहता है क्योंकि ताओ का प्रेमी उस सद्गुण के लिए ही आतुर होता है जो सहज विकसित होता है और खिलता है, जो एक बहाव है, जो लाया नहीं जाता, जिसको खींच कर लाने का कोई मार्ग नहीं है, जिसके लिए सिर्फ हृदय के द्वार खोल देने पड़ते हैं और जो आता है आप उसे आने दे सकते हैं ला नहीं सकते। करीब करीब ऐसा जैसे सूरज बाहर निकला हो, मैं अपना द्वार खोल दूं और उसकी किरणें भीतर आ जाएं, मैं आने दे सकता हूं, मैं अपना द्वार बंद कर दूं, सूरज बाहर रहा है, उसकी किरणें द्वार से टकराएं और वापस लौट जाएं, मैं सूरज को आने से रोक भी सकता हूं लेकिन मैं सूरज को ला नहीं सकता। रोक सकता हूं, आने दे सकता हूं लेकिन ला नहीं सकता। कोई सूरज की किरणों को पोटली में बांध कर लाने का उपाय नहीं, और अगर आपने बांधा भी पोटली भीतर आ जाएगी, किरणें बाहर ही रह जाएंगी, और तब उस खाली पोटली को आप अगर रखे बैठे रहें तो इससे ज्यादा जुगुप्सा पैदा करने वाली और कोई स्थिति नहीं। आज इतना ही, रुकें 5 मिनट।